अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने स्लाइड पे किया था, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पाइपलाइन एंड मल्टीपल फंक्शन यूनिट्स, आवाज सही आ रही है मेरी? यस सर, सही आ रही है। सही, यस सर, सही आ रही है। अच्छा, पाइपलाइन एंड मल्टीपल फंक्शन यूनिट्स, तो मल्टीपल फंक्शन यूनिट्स के जरिए से भी जो है काम अच्छा हो जाता है। अगर आप मल्टीपल फंक्शन यूनिट यूज करें पाइपलाइनिंग के अंदर, एक फंक्शन यूनिट की बजाय मल्टीपल फंक्शन यूनिट यूज करें, तो आपका जो है काम इसमें और अच्छा हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, फोर स्टेज पाइपलाइन इज बेसिकली आइडेंटिकल टू द सिस्टम विद फोर आइडेंटिकल फंक्शन यूनिट्स, या चार आइडेंटिकल फंक्शन यूनिट्स लगाए गए, एक जैसे फंक्शन यूनिट्स हैं, P1, P2, P3, मतलब यानी कि ये I1, I2, I3, I4 ये इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये अलग अलग फंक्शन यूनिट्स में जा रही है। ईच पी सर्किट परफॉर्म्स द सेम टास्क ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइपलाइन, हर जो पी है वो फंक्शनल यूनिट वो सेम टास्क परफॉर्म कर रहा है, यानी कि सेम कंप्यूटेशन टास्क परफॉर्म कर रहा है पाइपलाइन के अंदर। इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग विद द इनपुट डेटा इन सीक्वेंस इन अ पाइपलाइन द पैरेलल सर्किट, अब होगा क्या, ये पैरेलल सर्किट हो गया, ठीक है, यानी कि एक पाइपलाइन की जगह अब चार पाइपलाइन चल रही है और पैरेलल सर्किट चल रहा है और एक सिंगल इंस्ट्रक्शन आ रही है। सबने पहले पढ़ा था SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ये वही वाला काम हो रहा है कि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन आएगी, चार हिस्सों में टूट जाएगी और वो जाहिर है जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मल्टीपल फंक्शन यूनिट आप यूज कर रहे हैं, एक फंक्शन यूनिट नहीं है, मल्टीपल फंक्शन यूनिट है, जैसे डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, वाई पाइपलाइन, वाई पाइपलाइन कैन नॉट ऑपरेट एट इट्स थियोरेटिकल मैक्सिमम रेट। पाइपलाइन जो है ना, वो जो थियोरेटिकली जो हमने अभी इक्वेशन लिखी, फार्मूला लिखे, उस तक पाइपलाइन की स्पीड ना वहां तक नहीं पहुंच जाती। तो थियोरेटिकली जो हम स्पीड देख रहे हैं पाइपलाइन की, जो हमने कैलकुलेट की पाइपलाइन की, एक्चुअल अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में उतनी स्पीड हो नहीं पाती, उससे कम होती है। उसकी वजूहत है, यहाँ पे स्लाइड में बताया है कि पाइपलाइन जो है वो थियोरेटिकल स्पीड को क्यों नहीं अचीव कर पाती, उससे कम क्यों रहती है, उसकी यहाँ वजूहत लिखी है। देखिए, डिफरेंट सेगमेंट्स में टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर सब ऑपरेशंस। हर, अब चार सेगमेंट है, अभी हमने एग्जांपल देखी, चार सेगमेंट है, अगर हर सेगमेंट अलग अलग टाइम ले रहा है, वैसे तो थियोरेटिकली हम कहते हैं कि सारे सेगमेंट एक जितना टाइम लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली होता क्या है कि हर सेगमेंट जो है ना थोड़ा सा डिले के साथ अलग 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 टाइम ले रहा होता है, तो इसलिए जो है वो उसकी जो थियोरेटिकल जो स्पीड मैक्सिमम रेट था वो अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि हर सेगमेंट अपना अपना अलग टाइम प्रैक्टिकली ले रहा होता है। थियोरेटिकली तो हम कहते हैं कि सब सेम टाइम ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली हर सेगमेंट दूसरे से अलग टाइम ले रहा होता है। द क्लॉक साइकिल मस्ट बी चूजन टू इक्वल द टाइम डिले ऑफ द सेगमेंट विद द मैक्सिमम प्रोग्रेशन टाइम। अब यहाँ ये कह रहे हैं तो क्लॉक साइकिल जो है वो चूज की जाती है, क्लॉक साइकिल मस्ट बी चूजन, ठीक है, क्लॉक साइकिल चूज की जाती है। क्लॉक साइकिल चूज क्यों करते हैं कि अब जाहिर है अगर एक सेगमेंट में डिले आ गया, अगर एक एक सेगमेंट में भी डिले आ गया तो सब सारे सेगमेंट्स को उसके साथ इक्वल किया जाएगा। ये चार सेगमेंट है, चार सेगमेंट में किसी एक सेगमेंट के साथ 2 मिलीसेकंड का डिले आ गया तो चारों के अंदर जो है वो फिर 2 मिलीसेकंड का डिले डाला जाएगा ताकि सब आपस में सिंक्रोनाइज हो जाए। तो इस तरह होता क्या है कि जब सेगमेंट्स के अंदर डिले आता है ना, तो वो सारे क्लॉक साइकिल जो है सब सारे सेगमेंट्स को वेट कराती है ताकि सबका टाइम बराबर हो जाए। तो सबके अंदर डिले आना शुरू हो जाता है ताकि सब बराबर हो जाए, इसके लिए सबको डिले किया जाता है। तो इस वजह से भी क्या होता है, फिर जाहिर है वो मैक्सिमम जो रेट चाहते हैं हम पाइपलाइनिंग के जरिए वो अचीव नहीं हो पाता, ये दूसरा मसला है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है,
this causes all other segments to waste time. यानी कि यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जब कोई एक डिले करेगा तो सब उसका इंतजार करेंगे, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और सेगमेंट्स का टाइम वेस्ट होगा. दिस इज assumption is not valid. This assumption is not valid that a non-pipeline circuit has the same time delay as that of an equivalent pipe circuit. ठीक है, यानी कि कहना है कि जो डिले आता है नॉन पाइपलाइन के अंदर, डिले आता है वो बराबर होगा पाइपलाइन सर्किट के, ये assumption जो है वो सही नहीं है. यानी कि जब जिस सर्किट में आपने पाइपलाइन नहीं लगाया उसमें डिले की मिकदार अलग है, और जिस सर्किट में आपने पाइपलाइन लगाया उसमें डिले की मिकदार अलग है. ये समझना कि दोनों का डिले सेम आएगा, दोनों का डिले सेम नहीं होता. जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए नीचे बता रहा है, मेनी ऑफ द इंटरमीडिएट रजिस्टर्स विल नॉट बी नीडेड इन अ सिंगल. अगर आप सिंगल यूनिट सर्किट की बात कर रहे हैं, सिंगल यूनिट सर्किट का मतलब क्या, आप पाइपलाइन यूज नहीं कर रहे, सिंगल यूनिट सर्किट है, तो फिर जाहिर है आपको रजिस्टर नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट रजिस्टर नहीं चाहिए, टाइम कम लगेगा. बगैर पाइपलाइन के भी टाइम कम लग रहा है क्योंकि रजिस्टर चाहिए नहीं बीच में रजिस्टर में जब चाहिए होते हैं, जब सेगमेंट ज्यादा होंगे, जब सेगमेंट ही नहीं होंगे, पाइपलाइन ही नहीं होगी, सिंगल यूनिट ही होगा, तो जाहिर है फिर उसके लिए रजिस्टर भी नहीं चाहिए होंगे. जब रजिस्टर नहीं चाहिए होंगे तो इंटरमीडिएट वो टाइम हमारा लगेगा नहीं इंटरमीडिएट. तो कहने का मतलब ये कि देखिए बहरहाल ये बात जरूर है कि पाइपलाइन इस्तेमाल करने के बाद आपकी प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है बगैर पाइपलाइन से. अगर आप पाइपलाइन यूज नहीं कर रहे उसकी बनिस्बत पाइपलाइन के जो आप यूज करते हो प्रोग्राम में उससे उसकी एफिशिएंसी काफी हद तक बढ़ जाती है. इसलिए आखिरी पॉइंट यही लिखा है, बट इट इज ट्रू डेट पाइपलाइन टेक्निक प्रोवाइड्स मच फास्टर एग्जीक्यूशन इन कंपेरिजन विद नॉन पाइपलाइन सिस्टम. पाइपलाइन टेक्निक जो है वो ज्यादा फास्टर एग्जीक्यूशन करते हैं प्रोग्राम को एज कम्पेयर टू नॉन पाइपलाइन सिस्टम. तो पाइपलाइनिंग इज बेटर देन नॉन पाइपलाइनिंग. लेकिन यहाँ पर ये वजूहत बताइए कि थियोरेटिकली जो स्पीड बताई जा रही होती है प्रैक्टिकली उतनी मिलती नहीं है, उससे कम मिलती है, और उसकी वजह जो है यहाँ पर जो कुछ वजूहत है वो स्लाइड के अंदर बताई गई. क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ पाइपलाइन. There are two areas of computer design where the pipeline organization is applicable. Pipeline को आप कहाँ पर apply कर सकते हो? दो areas हैं computer design के अंदर. एक है arithmetic pipeline, एक है instruction pipeline. Arithmetic pipeline क्या करते हैं? Divides an arithmetic operation into sub operations. कोई भी arithmetic operation आपको मिले, उसको आप छोटे-छोटे sub operation में तक divide कर दोगे pipelining के अंदर, ठीक है? और multiple segments के अंदर वो चलेगा. तो जैसे अभी हमने देखा, मैंने आपको दिखाया अभी पिछली स्लाइड में मल्टीपल सेगमेंट्स में काम हो रहा था, लेकिन अब ये वही काम किसके लिए करेगा? अर्थमेटिक के लिए. अर्थमेटिक उसको कहेंगे अर्थमेटिक पाइपलाइन. और सेकंड कौन सी है? इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन. ऑपरेट्स ऑन अ स्ट्रीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय ओवरलैपिंग द फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट फेजेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल. तो होता क्या है कि आपकी जो है एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन, दूसरी के बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है ना, पहली इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन, चौथी इंस्ट्रक्शन, जैसे आप प्रोग्राम लिखते हो तो सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं. तो वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो पाइपलाइन में चली जाए, अलग अलग पाइप अलग अलग सेगमेंट में जा रही है, पाइपलाइन में जा रही है, तो उसको हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन. ठीक है, पहली वाली में मैथमेटिक्स अरिथमेटिक जो है पाइपलाइन में मैथमेटिक्स परफॉर्म होगी, दूसरी वाली में इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, इंस्ट्रक्शंस जो है ओवरलैप करेंगी मल्टीपल टाइम स्लॉट्स के अंदर, इंस्ट्रक्शंस ओवरलैप करेंगी पाइपलाइन के अंदर. तो दोनों को देख लेते हैं, दोनों को एग्जांपल के साथ देख लेते हैं. पहले अरिथमेटिक पाइपलाइन देखते हैं. अरिथमेटिक पाइपलाइन. पाइपलाइनिंग अरिथमेटिक यूनिट्स आर यूजुअली फाउंड इन वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स. ठीक है, तो अब ये हम देखते हैं ज्यादातर, आजकल भी हम देख रहे हैं बहुत हाई फाई कंप्यूटर्स आ गए, स्पीडी कंप्यूटर्स हैं, उनमें जो मैथमेटिक्स परफॉर्म हो रही है, जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है उसके अंदर एक्चुअली पाइपलाइनिंग यूज हो रही है. अरिथमेटिक यूनिट्स के अंदर पाइपलाइनिंग यूज हो रही है. मोस्टली दे आर यूज्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन. फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन का मतलब क्या है? जो
फ्रैक्शन के अंदर नंबर होते हैं ना, 3.4, 6.4, जो फ्रैक्शन के अंदर नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे 6.4 ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो पॉइंट आ जाए जिसके अंदर ना फ्रैक्शन आ जाए। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के अंदर ज्यादातर हम यूज कर, ज्यादातर जो है ना ये अर्थमेटिक पाइप लाइनिंग के जरिए काम हो रहा होता है, क्योंकि स्पीडी काम हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हेयर शोन लिखा है, अच्छा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आर इजीली डिकम्पोज इनटू सब ऑपरेशन। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो है वो आप इसको क्या करते हो, तोड़ देते हो छोटे छोटे ऑपरेशन के अंदर, सब ऑपरेशन के अंदर। अब यहाँ एग्जाम्पल दिए, फॉर एग्जाम्पल हेयर शोन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आपने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है तो वो कैसे होगी, उसको दिखाया गया। तो यहाँ पर कैसे उस पाइपलाइन में क्या होगा, पाइपलाइन सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन की बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन की बात कर रहे हैं, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन हो या फ्लोटिंग पॉइंट सब्ट्रैक्शन हो, उसके अंदर ये चार फंक्शनलिटीज होती है। पहला काम क्या होता है, ये पाइपलाइनिंग के पाइपलाइन जो होता है ना, पाइपलाइन सिस्टम होता है फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन का पाइपलाइन सिस्टम होता है, उसके अंदर ये चार फंक्शनलिटीज होती है। पहली फंक्शनलिटी क्या है, कंपेयर द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को कंपेयर करेगा, अलाइन द मेंटिसा, ऐड सब्ट्रैक्ट द मेंटिसा, थर्ड में ये, फोर्थ में क्या है, नॉर्मलाइज द रिजल्ट। ये चार फंक्शनलिटीज हैं जो कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के ऊपर अप्लाई होंगे। अब इसकी एग्जांपल में हम देख लेंगे चारों कैसे अप्लाई होते हैं। आपको तो पता ही है ना मेंटिसा कैसे कहते हैं, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मेंटिसा होती है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मेंटिसा नहीं होती। और ये जो टेन की ये जो है एक्सपोनेंट है, टेन के ऊपर जो पावर है ये एक्सपोनेंट है, ये आपको पता होगा। इस तरह की फिगर आपको पता है, पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या है, ये देखें एक्स की वैल्यू क्या है, 0.9504 इंटू 10^3, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है एक्स। और दूसरा वाई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसकी वैल्यू क्या है, 0.8200 इंटू 10^2। अब इनमें हमने करना क्या है, हमने इनमें ऐसे तो एडिशन करनी है, हमने इन दोनों को एडिशन करनी है, लेकिन आपको पता है एडिशन जब तक नहीं कर सकते, मैं दोनों को ऐड नहीं कर सकता जब तक के दोनों के एक्सपोनेंट बराबर ना हो। एक का एक्सपोनेंट 3 है, एक का एक्सपोनेंट 2 है, तब मैं ऐड नहीं कर सकता। ऐड में जब कर सकता हूँ जब दोनों के एक्सपोनेंट बराबर हो। तो हम करते क्या है, जो ज्यादा वाला एक्सपोनेंट होता है, ज्यादा वाला कौन सा है, 3 है, एक 3 एक 2 है, तो ज्यादा कौन सा है, 3। तो ज्यादा वाला एक्सपोनेंट होता है दूसरे को भी हम वैसा कर देते हैं, हम 2 को भी 3 बनाएंगे, वो अगले स्टेप में बनाया। तो लार्जर एक्सपोनेंट आप क्या सिलेक्ट करते हो, आप सिलेक्ट करते हो लार्जर एक्सपोनेंट। लार्जर एक्सपोनेंट क्या है, इस वक्त 3 है, तो 0.9504 10^3 ये वैसे ही लिखा है हमने। और नीचे वाली वैल्यू में आप देखो, हमने 0.10 का इजाफा कर दिया, 0.08200, ठीक है, यानी कि एक जीरो हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, एक जीरो, और उसको डेसिमल प्लेसेस बढ़ा दिया 3। ये आपको पता है जब लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं तो एक डेसिमल प्लेसेस बढ़ जाता है, तो ये जीरो कर दिया, तो जीरो कर दिया, यानी कि ये इसमें जीरो शिफ्ट, इसमें हमने जीरो जीरो इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो यहाँ पर ये पावर बढ़ जाएगी 2 की बजाय, अब क्या हो जाएगा 3। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब दोनों बराबर हो गए तो हम कहेंगे दोनों अलाइन हो गए, दोनों क्या हो गए, अलाइन हो गए। अलाइन क्या हुआ है, एक्सपोनेंट पार्ट हमने अलाइन किया है, एक्सपोनेंट पार्ट अलाइन हुआ है 10^3। अब आप ऐड कर दोगे, ये दोनों ऐड करोगे, जब दोनों ऐड करोगे तो जवाब क्या आ जाएगा, जेड जो है दोनों का रिजल्ट है ऐड करने के बाद, 1.0324 इंटू 10^3, ठीक है, वही 10^3 साथ लगा रहेगा, लेकिन ऐड करोगे तो जवाब ये आ जाएगा। लेकिन इसको नॉर्मलाइज करना, ये इस वक्त नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है, नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज इसे कहते हैं कि पहला डिजिट जो होगा ना वो हमेशा नॉन जीरो होगा, फर्स्ट डिजिट शुड बी नॉन जीरो। यहाँ फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ फर्स्ट डिजिट 1 हो गया है,
तो फर्स्ट डिजिट वन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट होना चाहिए नॉन जीरो. उस नॉन जीरो फर्स्ट डिजिट की जो फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज फॉर्म. उसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, इस वन को भी जाहिर है आप जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, राइट साइड पे. तो जब ये आप इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, जीरो. ये मेंटिसा जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वन यहाँ शिफ्ट हो गया, बाकी वही फिगर है 0324 0324 साथ लगी हुई है. लेकिन जब आप यहाँ शिफ्ट करोगे वन को तो ये इसकी पावर बढ़ जाएगी, पहले पावर थ्री थी अब क्या पावर हो जाएगी, फोर. तो ये आपने क्या करा कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के दरमियान एडिशन परफॉर्म कर दी. अब इसी को जो है ना वो फ्लो चार्ट में देख लो, ये इसी का फ्लो चार्ट है जो हमने फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन की है उसका फ्लो चार्ट. ये एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ए और बी को कह रहा है, ये समझो ए और बी एक्सपोनेंट है, जो 10^3 हमने देखा था वो एक्सपोनेंट है, ठीक है. और मेंटिसा क्या था, जो हमने नंबर देखा था मेंटिसा पॉइंट से पहले वाला, ए और बी ये मेंटिसा है, तो मेंटिसा अलग होंगे और एक्सपोनेंट अलग होंगे. ये भी रजिस्टर में सेव हो रहा है, ये भी रजिस्टर में सेव हो रहा है. लेकिन हम फिर कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं. अगर आपको एडिशन हमें एडिशन करानी है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट को जो हमने देखा और बड़े में से छोटा एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे. थ्री में से हमने टू माइनस किया था, ठीक है. ये हम इससे इससे फायदा क्या होता है, इससे मेंटिसास जो है ना अलाइन हो जाते हैं. तो दूसरी तरफ तो हमने यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, मेंटिसा अपनी जगह ही है, लेकिन यहाँ पर हम दूसरी तरफ हमने क्या किया है, एक्सपोनेंट को कंपेयर करके फिर उसकी वैल्यू कंपेयर करके रजिस्टर में रखी गई है और फिर जो है सेगमेंट टू के अंदर हमने एक्सपोनेंट को चूज कर लिया कि भाई अब हमारा एक्सपोनेंट जो है डिफरेंस निकलने के बाद ये हो चुका है. फिर उसके बाद ये एड और सब्ट्रैक्ट हमने फिर एडिशन की थी, ठीक है, दोनों नंबर के दरमियान एडिशन की थी. एडिशन करने के बाद जो है जो रिजल्ट आया उसको हमने फिर उसको नॉर्मलाइज किया, ठीक है. नॉर्मलाइज का मतलब क्या है, पहला डिजिट नॉन जीरो और हमने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट को भी एडजस्ट कर दिया, 10 की पावर 4 कर दी थी, क्योंकि तो जाहिर है जब नॉर्मलाइज होगा तो पावर बढ़ जाती है. सभी दिखाया 10 की पावर 3 थी, 10 की पावर 4 हो गई और फिर उस रिजल्ट को भी आपने आखिर में रजिस्टर के अंदर सेव करा दिया. तो ये एक्चुअली देखो पाइप प्लानिंग में काम हो रहा है, ये फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन हो रही है और ये उसका सर्किट दिखाया, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन का सर्किट दिखाया एडिशन का, कि इस तरह से पाइप लाइनिंग के अंदर काम हो रहा होता है. तो मेंटिसा और एक्सपोनेंट सब साथ साथ चल रहे हैं, सबको मैनेज कर रहे हैं और जो प्रोसेस था अलाइनमेंट का और एडिशन का नॉर्मलाइजेशन का वो सारा साथ हो रहा है और पाइपलाइन के जरिए से एडिशन परफॉर्म हो रही है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट. तो ये उसकी फ्लो ऑपरेशन फ्लो डायग्राम थी. अच्छा जी, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन पहली तो हमने किस्म पढ़ ली. पहली किस्म क्या थी, अर्थमेटिक पाइपलाइन हमने डिस्कस कर ली, ठीक है. अर्थमेटिक पाइपलाइन के अंदर एग्जांपल पे हमने फ्लोटिंग पॉइंट पाइपलाइन की बात की, उसमें एडिशन कैसे प्रोसेस होता है उसकी बात की, डायग्राम देख ली कि पाइपलाइनिंग में कैसे काम होता है. अब सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन. Pipeline processing can occur not only in the data stream but in the instruction stream as well. Data के साथ साथ instruction stream में भी pipelining होती है. Data मतलब operands, उनमें भी pipelining होती है, लेकिन साथ साथ instruction जो चल रही है उनमें भी pipelining होती है. An instruction pipeline reads consecutive instruction from memory while previous instructions are being executed in other segments. तो होता क्या है कि multiple instructions हैं, तो जो भी नई इंस्ट्रक्शन आती है वो मेमोरी से आ जाती है पाइपलाइन के अंदर और जो पिछली इंस्ट्रक्शन होती है वो भी पाइपलाइन में चल रही होती है. जैसे हमने अभी देखा था कि अलग अलग T1, T2, T3, T4, T5, अब ये सारी इंस्ट्रक्शन पिछली इंस्ट्रक्शन भी थी पाइपलाइन में, अगली इंस्ट्रक्शन भी आ रही थी. ये वही बात कह रहा है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के अंदर चल रही होती है. This causes the instruction fetch and execute phases to overlap and perform simultaneous operation.
तो स्ट्रक्चर आपको पता है फेच होती है, डिकोड होती है, एग्जीक्यूट होती है. तो फेच और एग्जीक्यूट जो है वो फेजेस जो है वो एक साथ चल रहे होते हैं. फेच भी हो रहा होता है, कोई इंस्ट्रक्शन फेच हो रही होती है, कोई कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है. तो फंक्शन जो है ना, जो मल्टीपल फेजेस है, ओवरलैप होते हैं आपस में, क्योंकि सब सारी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन अलग अलग फेजेस के अंदर होती हैं. कोई फेच हो रही होती है, कोई एग्जीक्यूट हो रही होती है, क्योंकि सब पाइपलाइन के अंदर चल रही होती है. वन पॉसिबल डायग्रेशन एसोसिएटेड विद सच अ स्कीम इज दैट एन इंस्ट्रक्शन मे कॉज अ ब्रांच आउट ऑफ सीक्वेंस. अब ये बता ये रहा है कि इस सूरत में ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन चल रही है, दूसरी इंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी तीसरी इंस्ट्रक्शन चल रही है, इस सिलसिले वाला जो इंस्ट्रक्शन चल रही है और सारी पाइपलाइन के अंदर आती जा रही है, हो सकता है उसमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन भी हो जो कि ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन हो, यानी कि ब्रांच ब्रांच का मतलब होता है जंप. ब्रांच का मतलब जंप. जंप दो किस्म का होता है, कंडीशनल और अनकंडीशनल. तो अगर कोई ऐसी ऐसी कोई अगर इंस्ट्रक्शन आ गई जिसमें जंप हुआ, तो वो पाइपलाइनिंग के अंदर जो है मसाइल पैदा कर सकती है, क्योंकि पाइपलाइन तो जाहिर है वो जंप करेगा, तो जंप करने के बाद हो सकता है वो इंटरप्ट हो, या हो सकता है वो कोई फंक्शन हो उस एड्रेस पे चला जाएगा. तो उसको पाइपलाइनिंग के अंदर मैनेज करना, मैनेज करने के लिए जो है ना वो इतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. तो ये थोड़ा सा मसाइल आते हैं, ब्रांचिंग के मसाइल आते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर. जो ब्रांचिंग आ जाती है, चाहे वो कंडीशनल हो चाहे नॉन कंडीशनल हो, उसके जरिए से जो है पाइपलाइनिंग में प्रॉब्लम आ सकता है. अच्छा, इन डेट केस द पाइपलाइन मस्ट बी एम्प्टीड. होगा क्या, अगर ब्रांच आ गई, तो ब्रांच आ गई का मतलब क्या, अब अगला इंस्ट्रक्शन तो चलेगी नहीं, अब तो जाहिर है वो इंस्ट्रक्शन चलेगी जो जिसके लिए ब्रांच हुआ है. तो पाइपलाइन के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन मौजूद थी वो सारी की सारी हटा दी जाएंगी, क्योंकि वो नहीं चलेंगी. वो जिसको ब्रांच ब्रांच इंस्ट्रक्शन कहेगी वो इंस्ट्रक्शन चलेगी. जितनी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में थी जिनको चलना था, वो सारी की सारी खाली हो जाएंगी, एम्प्टी कर दी जाएगी पाइपलाइन. और फिर जो है जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन था उसको पढ़ा जाएगा, और ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बाद जितनी भी चीजें थी वो पढ़ी जाएंगी, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. इसको थोड़ा यहाँ पर देखेंगे भी हम कैसे हो रहा है ये काम. अब देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के बारे में. The computer needs to process each instruction with the following sequence of steps. ठीक है, तो computer कितने steps के अंदर, ये दिखा रहा है कि ये 6 steps के अंदर जो है, अच्छा ये steps जो है ना 6 है, कहीं कहीं भी कहीं कहीं किसी किताब में आपको 5 में हो सकता है मिले, कि 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. कुछ तो है mandatory, कुछ है इसमें optional. तो इसमें mandatory optional दोनों दिए हुए हैं. जैसे पहला क्या है, fetch and instruction from the, पहले तो instruction fetch होगी, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी, ये भी हम देख चुके थे. फिर कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. ऑपरेंड कहाँ रखे हुए हैं उनका एड्रेस देखा जाएगा. इसके भी हम बारे में पढ़ चुके हैं कि एड्रेस डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है. फिर उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, फेच द ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी. मेमोरी से आप ऑपरेंड फेच करेंगे अगर वहां पर है तो. अगर कोई वेरिएबल बनाए, कोई ऑपरेंड वहां रखे हैं, तो वहां से ऑपरेंड फेच करेंगे. अगर नहीं है तो फिर ये वाली फोर्थ वाला काम नहीं होगा. फिर पांचवा क्या है, एग्जीक्यूट द ऑपरेशन, एग्जीक्यूट होगा. और छठा क्या है, स्टोर द रिजल्ट इन द प्रॉपर प्लेस. अगर रिजल्ट को कहीं रखवाना है तो फिर उसको रखवाया जाएगा. हो सकता है रजिस्टर में रखवाना हो, सकता है मेमोरी में रखवाना हो, तो ये भी ऑप्शनल है. हो सकता है कहीं नहीं रखवाना, तो ये फिर ये काम नहीं होगा. तो बहरहाल टोटल देखा जाए तो मैंडेटरी और ऑप्शनल मिला के 6 आपके पास जो है ना, 6 सीक्वेंस होते हैं स्टेप्स. कोई भी इंस्ट्रक्शन जो चलती है वो 6 स्टेप्स के अंदर जो है ना चलती है, तो यहाँ पर दिए हैं, दिखाया है. अच्छा यहाँ एग्जांपल दी है, अब एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल दी है 4 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की. 4 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की एग्जांपल दी है. सम इंस्ट्रक्शन स्किप सम फेजेस. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ मैंडेटरी होती है, कुछ ऑप्शनल होती है, कुछ इंस्ट्रक्शन जो है कुछ फेजेस को स्किप कर देती है. अच्छा, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन कैन बी डन इन द पार्ट ऑफ द डिकोडिंग फेज. तो डिकोडिंग फेज के अंदर जब डिकोड किया जाता है, उसमें इफेक्टिव एड्रेस जो है वो भी साथ साथ हो सकता है, कि ऑपरेंड कहाँ पर रखे हैं उसको भी देखा जा सकता है साथ साथ. स्टोरेज ऑफ द ऑपरेशन रिजल्ट इन टू अ रजिस्टर इज डन ऑटोमेटिकली इन द एग्जीक्यूशन फेज.
तो फोर स्टेज पाइपलाइन यहां पर दिखाई गई है, यानी कह रहा है ये जो रिजल्ट आएगा स्टोर के जो स्टोरेज का रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू आएगी फाइनली वो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूशन फेज उसको देख लेगा। तो उसने कहा कि स्टेजेस जो है टोटल चार कर दी जाए तो बेहतर है। पहला क्या है, एफआई का मतलब क्या है, फेच एन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को फेच किया। दूसरा क्या है डीए, डी का मतलब डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, कि ऑपरेंड डायरेक्ट है या ऑपरेंड इनडायरेक्ट है, ऑपरेंड डायरेक्ट है या ऑपरेंड इनडायरेक्ट है, उसका उनका इफेक्टिव एड्रेस। थर्ड वन इज एफओ, फेच द ऑपरेंड, ऑपरेंड फेच होंगे। ईएक्स का मतलब एग्जीक्यूट द ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि चार में कर दो एग्जीक्यूट के अंदर वो स्टोर भी कर देगा, जिसके ऊपर लिख दिया कि उसके अंदर आ जाएगा एग्जीक्यूट में, और बाकी जो है कुछ को स्किप कराया जा सकता है। तो ये चार जो है ये मैंडेटरी है, चार काम चार जो है तकरीबन सब में ही होंगी, ठीक है। तो फैच डिकोड, फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, फैच द ऑपरेंड और एग्जीक्यूट द ऑपरेशन, चारों के अंदर जो है आपकी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। अच्छा यहाँ पर देखो एग्जीक्यूशन ऑफ थ्री इंस्ट्रक्शन इन अ फोर स्टेज पाइपलाइन, तीन इंस्ट्रक्शन है। ये पहली इंस्ट्रक्शन चलेगी, ये कन्वेंशनल दिखा है, कन्वेंशनल का मतलब क्या है कि पाइपलाइन के बगैर, ठीक है, यानी कि जिसपे पाइपलाइन यूज नहीं हो रहा उसको कह रहे हैं कन्वेंशनल, जिसपे पाइपलाइन यूज हो रहा है उसको लिखा हुआ यहाँ पर पाइपलाइन। तीन इंस्ट्रक्शन है, अगर पाइपलाइन के बगैर तो होगा क्या, पहली इंस्ट्रक्शन चलेगी फैच होगा, डिकोड होगा, फैच ऑपरेट होगा, एग्जीक्यूट होगा, ये पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन चलेगी, ठीक है, आई प्लस वन का मतलब दूसरी इंस्ट्रक्शन चलेगी जब पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर पाइपलाइनिंग नहीं है, ये कन्वेंशनल है, यहाँ पर पाइपलाइनिंग नहीं है। तो पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन चलेगी और उसके अंदर फिर वही प्रोसेस होगा, एफ आई डी ए एफ ओ ई एक्स, फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड एंड फाइंड आउट द इफेक्टिव एड्रेस, फिर फैच ऑपरेंड और फिर एग्जीक्यूट। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन चलेगी, तो वन बाय वन चलेगा, सिक्वेंशियल चलेगा, डायरेक्ट इसके अंदर टाइम ज्यादा लग जाएगा क्योंकि पाइपलाइनिंग है नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर पाइपलाइनिंग कर दें तो क्या होगा, पहली इंस्ट्रक्शन चलेगी पहले साइकिल पे और दूसरे साइकिल के अंदर पहले इंस्ट्रक्शन जो है उसको रख दिया जाएगा अगले सेगमेंट में, आई प्लस वन में, आई प्लस वन में दूसरी दूसरी इंस्ट्रक्शन आ गई, तो पहली इंस्ट्रक्शन फेच हुई, फिर आई प्लस वन अगले इंस्ट्रक्शन जो है वो अगले टाइम स्लॉट में फेच हो गई, उससे अगली इंस्ट्रक्शन उससे अगले टाइम स्लॉट में फेच हो गई, ठीक है। तो अलग अलग टाइम स्लॉट के अंदर अलग अलग इंस्ट्रक्शन फेच हो गई और फिर वो अलग अलग मतलब फिर वो चल भी रही है। तो यहाँ पर इस टाइम स्लॉट के अंदर अगर देखें, इस टाइम स्लॉट के अंदर ये डिकोड भी हो रही है, पहली इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है, दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, एक साथ काम हो रहा है। इस टाइम स्लॉट में देखो क्या हो रहा है, इस टाइम स्लॉट में पहली इंस्ट्रक्शन पहले सेगमेंट पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो इसके ऑपरेंड देखे जा रहे हैं, पहली इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड देखे जा रहे हैं, दूसरी इंस्ट्रक्शन का जो है डिकोड किया जा रहा है और तीसरी इंस्ट्रक्शन को जो है फेच किया जा रहा है, इस तीनों काम एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये पाइपलाइनिंग में काम हो रहा था, अब इसमें आप देखो टाइम कम हो गया, टाइम कम हो गया, ये तीनों इंस्ट्रक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी क्योंकि इसके अंदर पाइपलाइनिंग की गई है, ये पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का वेट नहीं करेंगी बल्कि पहली इंस्ट्रक्शन के साथ ही अगली टाइम स्लॉट पर दूसरी शुरू हो गई और उससे अगली टाइम स्लॉट पर तीसरी शुरू हो गई और इस तरह से ओवरऑल टाइम बचेगा। अब यहाँ देखो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिखाई गई हैं, ये इंस्ट्रक्शंस है सारी, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आती जा रही हैं, इंस्ट्रक्शन वन, इंस्ट्रक्शन टू, इंस्ट्रक्शन थ्री, इंस्ट्रक्शन फोर, इंस्ट्रक्शन फाइव, इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और ये क्या है, ये स्टेप्स है, टाइम स्लॉट्स है, ये टाइम स्लॉट्स है। तो पहले टाइम साइकिल में क्या हो रहा है, पहले टाइम साइकिल के अंदर इंस्ट्रक्शन फेच हुई,
पहली इंस्ट्रक्शन फेच हुई, वन पहले टाइम स्लॉट में पहली इंस्ट्रक्शन फेच हुई, फिर दूसरे टाइम स्लॉट के अंदर, दूसरे टाइम साइकिल के अंदर जो है जो पहली इंस्ट्रक्शन फेच हुई थी उसको डिकोड किया जा रहा है, डीए का मतलब है डिकोड किया जा रहा है, उसका इफेक्टिव एड्रेस देखा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही दूसरी इंस्ट्रक्शन को भी फेच किया जा रहा है, दूसरी इंस्ट्रक्शन भी फेच हो गई, ठीक है। एक सेकंड टाइम स्लॉट पे पहली इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जा रहा है और दूसरी इंस्ट्रक्शन को फेच किया जा रहा है, फिर तीसरी टाइम स्लॉट में क्या हो रहा है कि जो पहली इंस्ट्रक्शन थी उसको ऑपरेंड्स को फेच किया जा रहा है, फेच ऑपरेंड, और जो दूसरी इंस्ट्रक्शन थी उसके ऑपरेंड्स को डिकोड किया जा रहा है, और जो पहली इंस्ट्रक्शन थी और जो इसके दूसरी और जो तीसरी इंस्ट्रक्शन है, तीसरी इंस्ट्रक्शन को क्या किया जा रहा है, फेच कराया जा रहा है तीसरी टाइम साइकिल के अंदर, ये तीन काम हो रहे हैं। फिर चौथी जो साइकिल है टाइम साइकिल, उसमें क्या हो रहा है कि जो पहली इंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हो गई, एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और उसी टाइम पे जो दूसरी इंस्ट्रक्शन थी उसके उसके ऑपरेंड फेच हो गए, और उसी टाइम स्लॉट के ऊपर जो तीसरी इंस्ट्रक्शन थी उसके उसको जो है उसके जो है उसको डिकोड किया जा रहा है, और उसी टाइम स्लॉट के ऊपर चौथी इंस्ट्रक्शन को फेच किया जा रहा है, चौथे चौथे पे ये काम हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब यहाँ पर एक बात देखें, अभी तक हमने ये चार तक हमने तस्करा किया था, तीसरे पे बता रहा हूँ, तीसरे पे इसमें लिखा हुआ है ब्रांच, यानी कि यहाँ ये दिखाया गया कि हो सकता है तीसरी इंस्ट्रक्शन के अंदर ब्रांचिंग हो रही हो। ब्रांचिंग का मतलब क्या है कि तीसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी और एड्रेस पे ले जाए, उसके बाद वो अगली इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी, जाहिर है अगली इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी कि ब्रांचिंग आ गई, ब्रांच आपको कहीं और ले जाएगा, हो सकता है इंटरप्ट हो या कोई फंक्शन कॉलिंग हो, तो आपको जो है वो अगली इंस्ट्रक्शन तो चलेगी नहीं, ठीक है, इंटरप्ट आ गया या फंक्शन कॉलिंग हो गई तो वो ब्रांच हो जाएगा। ब्रांचिंग की वजह से होगा क्या कि अगली इंस्ट्रक्शन तो आ गई थी पाइपलाइन में, लेकिन चूंकि जब इसके ऑपरेंड फेच किए तो पता चला ये तो ब्रांच ऑपरेशन है, इस थर्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो फिर उसको जब एग्जीक्यूट करेगा तो उस सूरत के अंदर F1 को जो है वो छोड़ देगा, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन जो फेच किया था इसको रोक देगा कि भाई इसको अब नहीं चलाया जाएगा, बल्कि ये ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग वाला जब काम कंप्लीट हो जाए, ये यहाँ पर ब्रांचिंग वाला काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर अगली इंस्ट्रक्शन ली गई। देखिए नंबर सेवन के ऊपर अगली इंस्ट्रक्शन नंबर फोर जो ली गई वो नंबर सेवन टाइम साइकिल के ऊपर ली गई, नंबर सेवन क्लॉक साइकिल पे ली गई अगली इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगली इंस्ट्रक्शन सिक्स क्लॉक साइकिल पे नहीं ली, फाइव क्लॉक साइकिल पे नहीं ली, चार पे ले ली थी लेकिन उसको रोक दिया क्योंकि ब्रांच आ गया, उससे पहले ब्रांच आ गया था, तो ब्रांच के कंप्लीट होने के बाद, ये ब्रांच कंप्लीट हुआ, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जो तीसरे पे आई थी उसकी कंप्लीट होने के बाद फिर उसने चौथी इंस्ट्रक्शन को जो है फेच किया, और फिर उससे अगली टाइम साइकिल के ऊपर उसको डिकोड करेगा और साथ में फिर अगली इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा जो कि इंस्ट्रक्शन नंबर फाइव होगी, फिर नॉर्मली जैसे काम चला था वैसे चलेगा, उसके बाद अगली टाइम साइकिल के ऊपर जो है वो अगली इंस्ट्रक्शन फेच करेगा और पिछली इंस्ट्रक्शन जो है यानी कि इंस्ट्रक्शन फाइव को डिकोड करेगा, इंस्ट्रक्शन फोर के जो है ऑपरेंड फेच करेगा, उससे अगली टाइम साइकिल के ऊपर जो है वो अगली इंस्ट्रक्शन फेच करेगा और सिक्स इंस्ट्रक्शन को जो है वो डिकोड करेगा, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड फेच करेगा, जबकि फोर्थ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। उसके बाद अगली टाइम क्लॉक साइकिल पे क्या हो रहा है, 11 क्लॉक साइकिल पे अब कोई नई इंस्ट्रक्शन तो आई नहीं, तो जो पिछली इंस्ट्रक्शन थी पांचवी इंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हो गई और छठी इंस्ट्रक्शन का जो है ऑपरेंड्स को ऑपरेंड्स फेच किए और सातवीं इंस्ट्रक्शन के जो है ऑपरेंड्स को डिकोड किया, और बारहवीं साइकिल के ऊपर ये छठी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और सातवीं इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड फेच किए और तेरहवीं साइकिल के ऊपर जाके आपकी सातवीं इंस्ट्रक्शन भी वो भी कंप्लीट हो गई। तो ये पाइपलाइनिंग का दिखाया गया है, इसके अंदर
दिखाया ये गया कि पाइपलाइनिंग का काम तो हो रहा है, लेकिन अगर कोई ब्रांच ऐसी कंडीशन आ जाती है, जिस ऐसी इंस्ट्रक्शन आ जाती है जिसपे ब्रांचिंग हो, तो ब्रांचिंग की वजह से जब तक वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक अगली इंस्ट्रक्शन जो है ना वो अगर लोड कर भी लिया तो उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है, अब उसको चलाया नहीं जाएगा। जब वो ब्रांचिंग वाला काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड की जाएगी, जैसे 700 पे यहाँ पर दिखाया। फिर बाद में फिर रूटीन की तरह से जितनी इंस्ट्रक्शन आती जा रही है वन बाय वन, वैसे जो है वो चलती जा रही है पाइपलाइन के अंदर। उसका ही ऊपर यहाँ पर ये फ्लो चार्ट दिखाया, यहाँ पर तो ऑपरेशनल व्यू दिखाया है, इसका फ्लो चार्ट दिखाया, ठीक है। फेच इंस्ट्रक्शन इनटू फ्रॉम मेमोरी, डिकोड इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस। सेगमेंट वन में इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, सेगमेंट टू के अंदर डिकोड हो रही है, फिर तीसरे में क्या चेक हो रहा है, ब्रांच। यहाँ पर दिखाया आपको तीसरे में ब्रांच, तीसरे में ब्रांच है, क्या ब्रांच है कि नहीं। अगर ब्रांच है, यहाँ पर ब्रांच थी, ठीक है, अगर ब्रांच नहीं होती तो ये नीचे जा रहा है, नहीं होती तो क्या होता, फेच वही नॉर्मल काम चल रहा होता, फेच ऑपरेट करता, एग्जीक्यूट करता, नॉर्मल काम चलता, और फिर चेक करता कि इंटरप्ट तो नहीं है। अगर इंटरप्ट नहीं है तो फिर दोबारा से वो ऊपर जाता और अगली इंस्ट्रक्शन ले लेता, लेकिन अगर इंटरप्ट होता या जो है वो इंटरप्ट अगर होता, ठीक है, या ब्रांच अगर यहाँ पर ब्रांचिंग की थी, अगर ब्रांचिंग भी होती या इंटरप्ट भी होता, तो इस दोनों सूरतों में क्या होता, प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करता कि अब जो है वो ब्रांचिंग हो गई या प्रोग्राम काउंटर, वो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो जाहिर अपडेट हो जाएगा, अब वो एग्जीक्यूशन अब वो उस एड्रेस पे जंप करेगा जहाँ के लिए ब्रांचिंग की रिक्वेस्ट आई है। और पाइपलाइन के अंदर मौजूदा जो पहले से इंस्ट्रक्शन होंगी उन सबको खाली कर दिया जाएगा, अब वो नहीं चलेगी, अब ब्रांचिंग की जो स्टेटमेंट है वो चलेगी, और फिर ये वापस जो है दिखा रहा है, वापस जा रहा है ये, और अगली स्टेशन फेच करेगा। तो ये जो है एक्चुअली इसका फ्लो डायग्राम था कि अगर ब्रांचिंग आ जाए इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन के अंदर, अगर ब्रांचिंग आ जाए तो उस सूरत में क्या करना होगा, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में, अच्छा जी। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा कनेक्ट करेंगे 15 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है। तो अपना नेम आईडी जरूर लिख दें चैट पे, नेम आईडी लिख दें ओके सर, और फिर ब्रेक ले लेते हैं।